ग्रेट लर्निंग का इनविटेशन नहीं आया है, पर्सनली मेरे को आज मैसेज कर दे लेक्चर के बाद, मैं उसको दोबारा भेजूंगा, अपने मेल पे चेक करके इनवाइट कर लूंगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने सर्विंग की डेफिनेशन, उसके बाद प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्विंग, प्लेन एंड ज्योडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे और ज्योडेटिक सर्वे में क्या डिफरेंस था हमारा, मेनली डिफरेंस ये था कि प्लेन सर्वे में हम जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, और ज्योडेटिक में कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन था जिसमें बेस्ड ऑन फील्ड। अब बेस्ड ऑन फील्ड अगर सर्वेइंग की बात करेंगे आप, तो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो लैंड हो गया आपका, एक हाइड्रोग्राफिक हो गया, एक एस्ट्रोनॉमिकल हो गया। ठीक है, बेस्ड ऑन फील्ड। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो ये सब डिस्कस हो चुका है लास्ट लेक्चर में। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग, मिलिट्री, माइन, जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, रूट और लोकेशन, ये है आपका बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। और अगर हम बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो चेन कंपास, प्लेन टेबल, रिलाइट, फोटोग्रामेट्री, ईडीएम, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट है सर्विंग में जो यूज होते हैं, उनके बेस पे भी हम सर्विंग को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में बता चुका हूँ, ये पूछा जाएगा कमिंग जो भी टेस्ट होगा आपका उसमें पूछा जाएगा। तो दो प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट है आपका होल टू पार्ट, इसमें ये ध्यान रखना है पार्ट टू होल नहीं है, ये होल टू पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं किसी भी एरिया को एनक्लोज कर लेते हैं मेन स्टेशन से, फिर उसको अंदर की ओर उसको डिवाइड करते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में सर्वेइंग करते हैं। और सेकंड प्रिंसिपल था जिसमें हमें दो रेफरेंस फिक्स पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम तीसरे पॉइंट को निकालते हैं, जैसे कि ए और बी आपके पास दो पॉइंट हैं और तीसरा पॉइंट आपको डी वन डी टू डिस्टेंस पता है, तो आप क्या करोगे, एक डी वन डिस्टेंस की कर्व ऐसे डालोगे, एक डी टू की ऐसे, जहां दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगी वो आपको सी पॉइंट मिल जाएगा। तो इसी तरह से सी पॉइंट, जैसे आप इस वाले फिगर में देखो, ए पॉइंट आपका नोन है, बी पॉइंट आपका नोन है, सी पॉइंट आपको निकालना है, लेकिन आपके पास दो डायमेंशन है, एक तो एंगुलर थीटा वन और डी वन, तो आप एक लाइन खींचोगे थीटा वन की और डी वन का। तो सेकंड प्रिंसिपल इसी तरह से टू रेफरेंस पॉइंट को लेके हम थर्ड पॉइंट हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये आपका हो चुका है। उसके बाद आपका एक था आपका प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है। तो प्लान क्या होता है आपका, जब किसी ऑब्जेक्ट का, किसी छोटी चीज का डिटेल में हम टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं उसे प्लान कहते हैं, और किसी बड़े एरिया का, जैसे कंट्री, स्टेट, इन सब का हम अगर कोई प्लान ड्रॉ करते हैं तो उसे हम मैप कहते हैं। तो अब ये प्लान ड्रॉ मैप जब भी आप ड्रॉ करोगे, जब भी इसको आप बनाओगे, तो सबसे पहले ही चीज आपको क्या कंसिडर करनी पड़ेगी, एक स्केल। क्या होता है स्केल, स्केल होता है कि जो ग्राउंड पे डायमेंशन है उसको आपको किसी सीट पे अगर बनाना है तो आपको एक स्केल एज्यूम करना होगा, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, या आप जो ग्राउंड की लेंथ है उसको रिड्यूस कर रहे हो किसी स्केल पे, तभी तो आप उसको ड्रॉ कर पाओगे। तो आपको एक स्केल आपको एक चूज करना होगा, स्केल डिपेंड करता है आपके मैप के ऊपर, मैप और प्लान के ऊपर, किस टाइप का मैप है, किस टाइप का प्लान है, कितने टाइप का एरिया है। ठीक है, उस पर आप डिपेंड करता है। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो ये तो एक बिल्डिंग का प्लान हो सकता है, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर होगा तो हो सकता है कि वह किसी कंट्री का प्लान हो। तो एरिया पे डिपेंड करता है हमारा स्केल। तो जब भी आप प्लान और मैप ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्केल चूज करना होगा। टाइप ऑफ स्केल, तो आपके जो टाइप ऑफ स्केल है, एक प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है और वर्नियर स्केल है, तीन टाइप के स्केल है। ठीक है, अब स्केल मतलब आप जो समझ रहे हो, आपके पास कोई स्केल होता है, आप कोई लाइन खींचते हो ज्योमेट्री में, तो आपके पास एक स्केल होता है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हो, तो मेरे को कोई बताएगा कि उसमें आप कितने यूनिट तक चीजों को मेजर कर सकते हो, जो आपका नॉर्मल आता है ना, कितने सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का स्केल जो आता है 6 इंच का, उसमें आप कितने यूनिट को मेजर कर सकते हो, बताओ कोई। कोई भी बताओ, चलो मैं बता देता हूँ। आपके पास जो एक स्केल होता है उसमें एक साइड में होता है इंचेस और एक साइड में होता है सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से, और उसके बीच में भी इसको आपको डिवाइड किया हुआ होता है एमएम में। ठीक है, अगर आप एक साइड की बात करें तो उसमें आप 2 डिजिट तक आप उसको मेजर कर सकते हो, एक तो सेंटीमीटर और एक एमएम।
तो सेम एज प्लेन स्केल क्या कहता है हमारा, प्लेन स्केल मोस्ट कॉमनली यूज इन मैप, स्केल रिप्रेजेंट टू सक्सेसिव यूनिट सच एज डेंथ, मीटर, डेसीमीटर, केवल दो यूनिट रिप्रेजेंट करता है ये स्केल। अगर आप सेंटीमीटर और एमएम कर सकते हो लेकिन मीटर और एमएम नहीं कर सकते आप मेजर, ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर कर सकते हो यानी कि टू सक्सेसिव आप यूनिट्स को इसमें मेजर कर सकते हो प्लेन स्केल में। कैसे कर सकते हैं तो देखिए, इट कैन शो वैल्यू अप टू टू डायमेंशंस। आपके पास ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, 1 मीटर एंड 20 मीटर, इसको आप मेजर कर सकते हो किसी भी प्लेन स्केल से। 4 मीटर और 6 डेसीमीटर, इसको भी आप मेजर कर सकते हो, लेकिन 4 मीटर और 6 सेंटीमीटर इसको आप मेजर नहीं कर पाओगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझो जरा। आप जब एक स्केल में देखोगे, एक स्केल में मान लीजिए मीटर का स्केल है और मीटर के स्केल में ये 1 मीटर का ये ऐसे इस पे मार्किंग लगी हुई है, ठीक है, 1 मीटर की। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो हमारा इजिली विजिबल हो, इसलिए हम कुछ चीज मेजर कर सके, तो 10 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जो एक पार्ट होगा वो कितने, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इस एक पार्ट को 100 सेंटीमीटर यानी 1-1 सेंटीमीटर में पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको सही से मेजर कर सकें, ठीक है। इसीलिए हम इसमें प्लेन स्केल में क्या होगा, हम केवल 2 डिजिट तक, सक्सेसिव 2 डिजिट तक हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। जो थर्ड वाला है आपका, ये इनकरेक्ट है, ये प्लेन स्केल में हम यार यूज नहीं होता। तो एक एग्जांपल है, ड्रॉ ए स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। स्केल का जो स्केल दिया हुआ है जिसको हमें ड्रॉ करना है वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और इस पर रीड करना है डेसीमीटर में, और मैक्सिमम स्केल की लेंथ है 6 मीटर और हमें डिस्टेंस शो करना है 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो थोड़ा ध्यान से इसको सुन लो। एक स्केल ड्रॉ करना है हमें, उस स्केल पे जो स्केल लिया हुआ है यानी कि जो ग्राउंड पे आपका 1 मीटर अगर ग्राउंड पे है तो उस स्केल के अंदर वो डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उस स्केल की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 6 मीटर है और उस से आपको 4 मीटर और 6 डेसीमीटर लेंथ मेजर करके दिखानी है, ठीक है। तो एक टर्म्स होता है आपका RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जो आपको निकालना होता है। डायमेंशंस ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे कितनी डायमेंशंस है, 1 सेंटीमीटर, और डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 1 मीटर, तो 1/100 आपका ये हो गया RF इस स्केल का। अगर हमें लेंथ निकालनी है स्केल की तो हमें लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू होता है RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। तो RF है 1/100 इंटू 600 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब दोबारा से इसको ध्यान से सुनो, ग्राउंड पे 6 मीटर है, ठीक है, तो पेपर पे आपको कितना चाहिए होगा, कितना बड़ा स्केल चाहिए होगा। अगर ग्राउंड पे कोई डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कितना है आपका, ए पॉइंट से बी पॉइंट कितना है, 6 मीटर, ये ग्राउंड पे है, इसको इसका स्केल ड्रॉ करना है पेपर पे। तो क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है तो ग्राउंड पे कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, पेपर पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ए बी, है ना, क्योंकि स्केल हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर है। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का स्केल। अब इस स्केल पे आपको ये डायमेंशन शो करनी है, 4 मीटर और 6 डेसीमीटर, ठीक है। ये इस स्केल पे कैसे शो करेंगे वो हम बताएंगे। लेंथ कैसे निकाली हमने, ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो RF है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो कैसे हम करेंगे, ये स्टेप्स हैं इसके, कैसे करना है। सबसे पहले आपको पेपर पे एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ कर दी है हमने, उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। अगर हम 6 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट की लेंथ क्या होगी, 1 सेंटीमीटर पेपर पे, लेकिन ग्राउंड में किसके बराबर हो जाएगी, 1 मीटर के, क्योंकि स्केल हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो तो जो हमारी ये स्पेसिंग बचेगी ये कितनी हो जाएगी, 1 डेसीमीटर, ठीक है, यानी 1 डेसीमीटर बराबर होता है आपका 10 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास यहाँ पे डेसीमीटर में आ गया। अब आपको मेजर करना है 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो क्या करेंगे हम जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको छोड़ के 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गई 4 मीटर और हमें कितना चाहिए, 6 डेसीमीटर। तो यहाँ तक हो गया 5 और ये हो गया 6 डेसीमीटर। तो इस स्केल पे हमने कितना मेजर कर लिया, 4 मीटर 6 डेसीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर के स्केल पे हमने मेजर कर लिया है 4 मीटर 6 डेसीमीटर। सिंपल स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, जो आपको स्केल की मैक्सिमम लेंथ दी हुई है
या आपने कैलकुलेट की है उसके लिए एक लाइन खींचो, उस लाइन को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फिर उसके एक पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बस आपका स्केल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, एक मैप है जिसमें 36 किलोमीटर डिस्टेंस हमें शो करनी है, एक मैप है ठीक है, ग्राउंड पे जो 36 किलोमीटर है उसको हमें इस मैप पे शो करना है। ठीक है, किस लाइन से? 45 सेंटीमीटर की लाइन से। अगर ये 36 किलोमीटर 45 सेंटीमीटर की लाइन से शो हो रहा है तो स्केल आप निकाल सकते हो। स्केल क्या होता है? जो ग्राउंड, जो हमारा पेपर पे है उस डिवाइड बाय जो ग्राउंड पे है। ठीक है, दोनों की जो आपका यूनिट है उसको सेम कर लो तो आपका स्केल आ जाएगा। और आरएफ क्या हो जाएगा? इसको फिर डिवाइड कर दो। देखो एग्जांपल देखो, आरएफ कैसे निकाला? 45/36=1/80,000 आरएफ आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है? आरएफ मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिस्टेंस। कितनी हमें कैलकुलेट करनी है? 12 किलोमीटर हमें करनी है। तो ये आ गया हमारा टोटल स्केल 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची एक। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींची क्योंकि मैक्सिमम हमें 12 किलोमीटर मेजर करना है, तो इसे 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया और फर्स्ट पार्ट को फिर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो स्केल क्या है हमारा? हमारा स्केल जो आ रहा है वो आ रहा है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, स्केल हमारा एक जो ब्लॉक है, क्योंकि 12 ब्लॉक है, एक ब्लॉक हमारा 1 किलोमीटर का आ रहा है क्योंकि टोटल स्केल की लेंथ है 12 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर तो 8 ब्लॉक्स को मेजर कर लो, और जो लास्ट फर्स्ट वाला ब्लॉक है 10 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, यानी कि ये आपका 100 मीटर का है। आपको मेजर कितना करना है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग? 8 किलोमीटर 300 मीटर। ठीक है, तो क्योंकि ये 100 मीटर का है तो यहाँ पे 3 वाले ब्लॉक से, 3 वाले मार्क से आप उसको मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से कोई भी स्केल आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं एक बार और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, कंफ्यूजन हो सकती है। जब आप कोई ग्राउंड पे, कोई आपके साइट है, ग्राउंड पे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपको ड्रॉ करना है किसी पेपर पर। ठीक है, पेपर आपके एग्जांपल पे A4 शीट है और आपका जो है बिल्डिंग एक बहुत बड़ी है, उसको आपको पेपर पे ड्रॉ करने के लिए एक स्केल चूज करना होगा। ठीक है, आपने चूज कर लिया 1 cm = 10 meters। ठीक है, आपने अब डायमेंशंस मेजर कर ली, सर्वे कर लिया बिल्डिंग का, फिर उसको आपने पेपर पे ड्रॉ कर दिया। अभी जो स्केल पेपर पे ड्रॉ करते हैं, एक स्केल भी आपको ड्रॉ करना होता है, शो करना होता है, उसमें दिखाना होता है कि हमने क्या स्केल चूज किया। तो ये जो स्केल होते हैं, आपके पास प्लेन स्केल होता है, डायगोनल होता है, वर्नियर स्केल होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लेन स्केल की। प्लेन स्केल में केवल 2 digits तक आप चीजों को मेजर कर सकते हो। ठीक है, वो भी सक्सेसिव 2 digits, मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, mm, इस तरह से। तो अब प्लेन स्केल को कैसे ड्रॉ करते हैं? अच्छा, आपने जो इंडिया का मैप आप खरीदते हो स्टोर से, उसके नीचे भी देखना, इस तरह का एक स्केल बना होता है, इस तरीके का स्केल बना होता है। यही स्केल हमें कैसे ड्रॉ करना है। अब 3 टाइप के होते हैं, तो प्लेन स्केल कैसे ड्रॉ करना है आपको, ये हम इसमें बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको सबसे पहले हमें आप कैलकुलेट करना होता है फर्स्ट स्टेप की मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल। जो पेपर पे स्केल बनाना है उसकी लेंथ, आपको ग्राउंड पे मैक्सिमम डिस्टेंस दिया होगा 12 cm में दिया हुआ है, 12 किलोमीटर आपको निकालना है पेपर पे। तो आपको क्या करना होगा, जो आरएफ है, ग्राउंड पेपर डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिस्टेंस, इससे आपका स्केल की लेंथ निकल जाएगी जो पेपर पे ड्रॉ करना है। ठीक है, मान लीजिए इसमें कितने आ गई है, 15 cm, 15 cm की लाइन ड्रॉ करी, उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 12 किलोमीटर यानी कि एक ब्लॉक आपका 1 किलोमीटर का हो गया। आपको मेजर करना है 8.3 किलोमीटर, फर्स्ट वाले ब्लॉक को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो वो एक पार्ट हो गया आपका 100 मीटर का। ठीक है, जब तो 10 पार्ट्स मिलके 1 किलोमीटर हो जाएगा, तो आप 8 ब्लॉक्स प्लस 10 मार्क्स, 3 मार्क्स के आप वहां से काउंट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, तो आपको 8.3 आप उससे मेजर कर सकते हैं। के बाद आता है आपका डायगोनल स्केल। अब डायगोनल स्केल में क्या होता है, क्योंकि हम प्लेन स्केल में केवल 2 digits तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन डायगोनल में हम 3 digits तक कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, लेकिन इसको अच्छे से आपको समझना है तो मैं इसमें समझा देता हूँ। अब इसमें आप प्लेन स्केल भी समझ जाओगे। ये आपके पास एक स्केल है, ठीक है, ये है आपके पास है कितने मीटर का, सॉरी
ठीक है, ये आपके पास स्केल है, ये है आपका 5 मीटर का स्केल, ठीक है, 5 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये टोटल है हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर का एक ब्लॉक है, और इक्वल टू कितने है ग्राउंड पे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो ये 5 मीटर का 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये इक्वल टू किसके है, 5 मीटर के ग्राउंड पे, तो इसका एक ब्लॉक की लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर, ठीक है। अगर मैं इसके एक ब्लॉक को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका जो एक पार्ट होगा ये कितने का होगा आपका, अगर 1 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये होगा आपका 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये प्लेन स्केल है, इसमें आपको कितने डिजिट तक आपको मेजर कर सकते हो, आप 2 डिजिट तक, मीटर एंड सेंटीमीटर, बट आपको एमएम में भी काउंट करना है, तो आप कौन सा स्केल लोगे, डायगनल। डायगनल में देखिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को आप कंप्लीट ऊपर तक कीजिए और यहां से एक डायगनल खींचिए, ये इस तरीके, और इस डायगनल को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहूं आपसे कि 2 मीटर और 10 mm आपको मेजर करना है, 2 मीटर 10 mm, तो देखिए 1 मीटर तो ये हो गया, यानी कि टोटल 2 मीटर तो ये हो गया, ठीक है। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर है, ये है यहाँ से 0, इस तरह से ऊपर आगे की ओर बढ़ रहा है ये, तो यहाँ पर ये जो मार्क लगे हुए हैं, ये वाले मार्क आप इसको भी काउंट कर सकते हो, ये फर्दर 1-1 सेंटीमीटर का हो गया, 10 सेंटीमीटर, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर खत्म होता है, और यहाँ पर आपका ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, इसी तरह से 10 पार्ट्स में होगा, तो यहाँ पे आपका 2.1 आपका काउंट हो जाएगा। मैं दोबारा से इसको इरेज करके दोबारा से इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, दोबारा से इसको एक बार और समझ लीजिए, एक थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको, एक जो फर्स्ट ब्लॉक में वो बना रहा हूँ, ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। इसको अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना लेते हैं, 10 पार्ट्स में ये एक ब्लॉक डिवाइड हो गया, और ये पूरा टोटल इसकी लेंथ है 1 मीटर। अब इसकी टोटल 1 मीटर है, तो एक ब्लॉक की लेंथ आप बता सकते हो कितनी होगी, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है आपका 100 सेंटीमीटर, तो एक ब्लॉक होगा आपका 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर अब इस 10 सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे, तो आपको 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर है, इस 10 सेंटीमीटर को अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, तो आपको 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक डायगनल खींचना है, इस डायगनल को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसीलिए इसको हम डायगनल स्केल बोलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, तो इस ब्लॉक को यहाँ से स्टार्ट होता है 0, यहाँ पे होगा तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। तो आपको अगर 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ तक ड्रॉ करोगे लाइन को, यहाँ तक। अगर आपको 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो आपका स्केल यहाँ तक मेजर करोगे, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायगनल स्केल, ठीक है। अब डायगनल स्केल को भी ड्रॉ करने का तरीका वही है, सबसे पहले आपको मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, कैसे, RF मल्टीप्लाई बाय जो ग्राउंड पे लेंथ मेजर करने को दी हुई है, इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर इन रेलवे मैप, इट रिप्रेजेंट बाय 5 सेंटीमीटर, यानी कि
जो दिल्ली से आगरा का जो बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है उसे पेपर पे मैप पे ड्रॉ किया गया है 5 सेंटीमीटर लाइन से, तो आप स्केल निकाल लोगे, स्केल क्या हो गया आपका, यानी कि आपका हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, यही हो गया ना स्केल इसका। और अगर आरएफ देखेंगे तो आरएफ क्या हो जाएगा, आरएफ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आरएफ हो गया ये आपका, ठीक है। तो आरएफ पता चल गया, अब आरएफ में मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम लेंथ कितनी दी हुई है उन्होंने, 600 किलोमीटर आपको मैक्सिमम लेंथ दी हुई है, तो 600 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल स्केल की लेंथ कितनी आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर जो आप पेपर पे स्केल बना गए उस पे आपको ये डायमेंशन शो करनी है, 222 किलोमीटर, 336, 459 और 569। तो ये देखिए स्टेप्स एंड ड्रॉ करने के मैं बताया था, इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, 15 सेंटीमीटर लाइन को क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस जो दी हुई है 600 दी है तो 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है आपका टोटल 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट कितने का होगा, तो एक पार्ट हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर का, ठीक है, क्योंकि 600 किलोमीटर इसकी लेंथ है और पेपर पे 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस पे मेजर कितना करना है, 222 फर्स्ट कुछ है 222 किलोमीटर में शो करो, ठीक है। तो 200 किलोमीटर तो हमें मिल ही जाएगा ऐसे, ये 200 किलोमीटर है, लेकिन 22 किलोमीटर कैसे लेंगे, अगर हमने इसको पार्ट को डिवाइड किया, 100 किलोमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमें एक पार्ट का लेंथ क्या मिल जाएगी, ये एक पार्ट की लेंथ क्या मिल जाएगी, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 20 किलोमीटर भी मिल जाएगा, हम दो पार्ट को काउंट कर लेंगे, यहाँ तक कितना हो जाएगा 220 किलोमीटर। लेकिन अब 2 किलोमीटर कैसे मेजर करें, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक डायगनल खींचा है और उस डायगनल को 10 पार्ट से डिवाइड कर दिया, 1 किलोमीटर का है 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक एक किलोमीटर का आप यूनिट्स मिल जाएगी। तो आप वहीं पे मेजर करके यहाँ तक इस तरह से 222, ये रहा देखिए 222 किलोमीटर आप यहाँ से शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डायगनल स्केल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह से आप सारी चीजें आप ट्राई करके देखोगे घर पे, आप ये जो 336 किलोमीटर है, 459 है और 569 है, इसको ड्रॉ करके देखोगे। कोई डाउट हो तो पूछिए किसी को, या स्टार्टिंग से बताना है मैं प्लेन स्केल भी, कुछ भी डाउट है तो बता दीजिए, दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बोलिए, हेलो सर, हाँ बताओ, हेलो पूछो, सर नोट्स कब तक मिलेंगे, नोट्स, ये नोट्स मैं भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा, ठीक है, नोट्स में आज ही भेज दूंगा, कोई बुक का रेफरेंस होगा तो वो भी मैं आज ही भेज दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर, ओके सर, आपके ना इसमें आप है ना फाइल में जाके जो एक्टिविटी है वहां पे जाके आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, आज आपको शाम तक मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया कि आपका ये क्या होता है स्केल, नहीं सर नहीं आया, चलो देखो दोबारा से सुनो, सर्विंग समझ गए, सर्विंग क्या होता है ना, किसी भी ग्राउंड की आपको कंस्ट्रक्शन से पहले किसी लैंड का या किसी टाइप का सर्वे हो सकता है, हाइड्रोग्राफिक भी हो सकता है, किसी भी टाइप का सर्वे हो सकता है, किसी लैंड का आप सर्वे कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक है, उसको हम सर्विंग कहते हैं। फिर सर्विंग आपका क्लासिफाई होता है 2 पार्ट्स में, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, प्लेन सर्विंग एंड ज्योस्टैटिक सर्विंग, ठीक है। प्लेन सर्विंग में आपका जो अर्थ का कर्वेचर है वो कंसिडर नहीं करते हैं, ज्योस्टैटिक में करते हैं कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन आया था सर्विंग का, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी तो प्लेन और ज्योस्टैटिक हो गया, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट हो गया आपके इंस्ट्रूमेंट के नाम से, बेस्ड ऑन फील्ड हो गए लैंड सर्वे आपका
एरियल सर्वे, ये सब आप क्या हो गया आपका लैंडफिल्ड के बेस पे। उसके बाद आया कि जब हम, हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वेइंग का, कि किसी भी चीज का हमारे को मैप या प्लान ड्रॉ करना होता है शीट पे, ठीक है। अब ड्रॉ करने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत चाहिए होती है। स्केल का मतलब ये है कि जो ग्राउंड पे डायमेंशन है उसको पेपर पे हमें ड्रॉ करने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा थोड़े स्मॉलेस्ट स्केल में, जिससे हम ड्रॉ कर सके। अब 5 किलोमीटर को पेपर पे ड्रॉ कैसे करोगे, 5 किलोमीटर बड़ा पेपर तो लाओगे नहीं। क्या करोगे आप, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर आपने एज्यूम कर लिया स्केल। तो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे पेपर पे 5 किलोमीटर की लैंड को ड्रॉ करने के लिए आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। साथ में उस मैप पर आपको एक स्केल भी बनाना होगा जिससे मैप को देखने वाला समझ जाए कि ये इस पे क्या स्केल इन्होंने यूज किया है, ठीक है। या फिर आपको उस स्केल की हेल्प से उस मैप पे मेजर करना है। मान लीजिए आपने लिख तो दिया मैप पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर लिख दिया आपने, और आपने एक इंडिया का मैप बना दिया, ठीक है, इंडिया का या किसी सिटी का मैप बना दिया। अब सिटी में कोई बाउंड्री हमें मेजर करनी है बिना ग्राउंड पे जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उस मैप पे ही उसको मेजर कर लेंगे। अच्छे 2 सेंटीमीटर का ये लाइन है, इसका मतलब स्केल था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो ये कितने किलोमीटर की होगी बाउंड्री, 10 किलोमीटर की होगी। तो इस तरह से हम मैप पे चीज को ड्रॉ मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि रियल में ग्राउंड पे उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। अब ये जो स्केल है हमारे पास, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और आपका एक होता है वर्नियर स्केल। प्लेन स्केल में केवल 2 डिजिट तक आपका सक्सेसिव 2 डिजिट ही मेजर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 3 डिजिट करनी है, यानी कि आपको मीटर भी चाहिए, सेंटीमीटर भी चाहिए और एमएम भी चाहिए, इतनी एक्यूरेसी चाहिए, तो डायगोनल स्केल आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद वर्नियर स्केल होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लेन स्केल आपको न्यूमेरिकल आता है कि आपको है ना एक प्लेन स्केल ड्रॉ करना है पेपर पर कॉपी में आपको, और उसमें ये डायमेंशन शो करनी है, ठीक है। वो डायमेंशन शो करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा कि फर्स्ट लाइन जो हम खींचेंगे, फर्स्ट लाइन जो ड्रॉ करेंगे उसका साइज क्या होगा। तो उसका साइज निकालने के लिए आपको एक टर्म्स आता है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। वो क्या होता है, जो पेपर पे डायमेंशन से डिवाइड बाय ग्राउंड पे डायमेंशन, उससे जो रेशियो निकलेगा वो आरएफ होता है, और मल्टीप्लाई बाय जो ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर करनी है हमें मैक्सिमम, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो पेपर पे जो लाइन ड्रॉ करनी है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सिंपल सा आपका जो स्केल होता है उसमें देखोगे सेंटीमीटर के मार्क लगे होते हैं, उस फिर 2 सेंटीमीटर के बीच में वो कट होता है 10 पार्ट्स में, एमएम में। तो एक स्केल बन गया ना आपको बनाना आ गया वो स्केल। लेकिन डायगोनल में 3 डिजिट करना है, और 2 पार्ट्स को आपको बहुत ज्यादा नंबर पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो विजिबल नहीं होगा, तो उसको डायगोनली कट करते हैं जिससे हमें एक और डिजिट मिल जाती है। एक बार आप देखो जरा इसमें दोबारा से, स्लाइड दिखाई दे रही है क्या आपको, सर दिख रही है, हेलो स्लाइड दिख रही है, यस सर, ठीक है ठीक है। तो डायगोनल में एक बड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, एक स्लाइड लेता हूँ ब्लैंक, ठीक है। इस पे आपको एक ऐसा स्केल चाहिए जिससे आप मैप पे मैप कर सको, मैप पे स्केल को मेज लाइन को मेजर कर सको 3 डिजिट तक। 2 डिजिट तक तो आपका नॉर्मल स्केल हो गया प्लेन स्केल, ठीक है। 3 डिजिट तक मेजर करना है तो क्या हुआ, जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की लेंथ है 1 मीटर। अगर आपको चाहिए इसको 10 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दोगे तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा हमारा, रफली कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक पार्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 पार्ट्स हो गए। अब ये प्लेन स्केल है, इसमें क्योंकि आप मीटर मेजर कर सकते हो, 1 मीटर मैक्सिमम मेजर कर सकते हो, और मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हो, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी लाइन है उसको आप मेजर कर सकते हो इस स्केल से, बट आपको 10 सेंटीमीटर नहीं, आपको 11 सेंटीमीटर मेजर करनी है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन तो इसमें 11 तो आ ही नहीं रहा, 11, 12, 13 कैसे करेंगे, 21, 22, 23 कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया ना, इस पार्ट को, सभी पार्ट को डायगोनली ऐसे कट कर दिया।
अब इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब देखो यहां तक कितना डायमेंशंस है, यहां तक 10 20 30 40 सेंटीमीटर हो गया, 41 चाहिए तो 41 यहां पे होगा क्योंकि यहां पर तो 50 है, यहां तक तो 50 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि 10 10 सेंटीमीटर गया, लेकिन अगर यहां तक मेजर आप करोगे तो ये हो गया 41, ये 42, ये 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50, यहां तक ये 50 आ गया। तो आपको सेंटीमीटर से भी कम दूसरा आपका 10 10 mm का भी आपको मिल गया ना डायमेंशंस, तो इसमें तीन डिजिट आपको यूज हो गई डायगोनली कट करने पे। लेकिन अगर आप 10 पार्ट में इसी ब्लॉक को डिवाइड करोगे ना 10 पार्ट में तो विजिबल नहीं होता इतना, इसको तीन डिजिट अगर एक ही स्केल पे तीन डिजिट दिखाओगे एक ही अलाइनमेंट में तो इतना विजिबल नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं डायगोनली कट कर देते हैं। अगर ये आपका यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो आप ऐसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये सेंटीमीटर बढ़ता जाएगा ना और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसीलिए इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हमें ये इंक्रीमेंट मिल जाता है। इसी तरह से डायगोनल स्केल होता है। ठीक है, तो ये आपका था प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो उसका याद रखना आप। ओलंपस का मेरे को मैसेज कर देना जिसके पास इनविटेशन नहीं पहुंचा है, पर्सनली मैं उसको इनविटेशन भेज दूंगा और तुरंत वो एक्सेप्ट करके आईडी पासवर्ड बना लेगा। और उसके बाद शाम को 6 बजे एक छोटा सा क्विज रखते हैं 5 मिनट का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बस आपको 5 मिनट से कम लगेगी। ठीक है सर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? क्या चीज सर? कॉन्टेक्ट डिटेल आप कॉन्टेक्ट ग्रुप से मिल जाएगा? हाँ ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, ठीक है ग्रुप पे देख लेना, मैं ऐड तो हूँ उसमें। यस सर, यस ठीक है, चलो बाय, थैंक यू सर।